आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम लोग मेनली दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, देखा जाए क्या होता है। मान लो तीन कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है और कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3 और इस सिस्टम को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा और नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा। ठीक है, और क्योंकि तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं तो तीनों कैपेसिटर के लेफ्ट साइड में प्लस क्यू चार्ज अपीयर होगा। ठीक है, और राइट प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा। और ये एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम नहीं है जैसा हम बनाए हैं, वैसा होना जरूरी नहीं है। बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि अगर मान लें कि ये कोई पर्टिकुलर कैपेसिटर है तो प्लस क्यू चार्ज जो है इधर अपीयर हो रहा होगा और माइनस क्यू चार्ज इधर अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना छोटा छोटा डायग्राम में हम ऐसे अंदर की तरफ नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए बाहर की तरफ दिखाए हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में चार्ज कहाँ पे है? फेसिंग सरफेसेस पे है। ये तो क्लियर है तुम लोगों को? बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज होना चाहिए। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर होता तो दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर तीन से ज़्यादा हो जाए तो सब पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा, अगर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज, लेकिन ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का डिफरेंट होगा। तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और C3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3। ठीक है, तो V1 V2 V3 में क्या रिलेशन होगा बताइए? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, V तीनों का सम होगा। ठीक है, तो ये बेसिक रिलेशन हुआ। उसके पहले एक और चीज है, अगर हम C1 के बारे में बात करें तो C1 पे चार्ज है Q और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं Q इक्वल टू C1 V1। सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर के लिए बोल सकते हैं Q इक्वल टू C2 V2 और थर्ड कैपेसिटर के लिए बोल सकते हैं Q इक्वल टू C3 V3। ठीक है, तो तीनों कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहला कैपेसिटर के लिए Q हुआ C1 V1। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं V1 इक्वल टू Q बाई C1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं V2 इक्वल टू Q बाई C2 और थर्ड कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं V3 इक्वल टू Q बाई C3। ठीक है, अब हम ऐसा किए कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा दिए और हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्ट कर दिए, सच डैट कि बैटरी उस सिंगल कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो जो सिंगल कैपेसिटर होगा उसके कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिए सच डैट कि बैटरी उतना ही चार्ज सप्लाई कर। तो ये जो सिंगल कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको लिख दिए सी इक्विवेलेंट। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? क्यू होगा। ठीक है, और इस कैपेसिटर के लिए हम बोल सकते हैं कि क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी, क्योंकि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट वी, वी इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट V1, V2, V3 और V में रिलेशन है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V है Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 है Q अपॉन C1, V2 है Q अपॉन C2 और V3 है Q अपॉन C3। ठीक है, तो Q कॉमन निकाल सकते हैं और कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन सी वन
प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। रजिस्टर में इस तरह का रिजल्ट पैरेलल में होता था, लेकिन कैपेसिटर में इस तरह का रिजल्ट किस में हुआ है? सीरीज में हुआ है, ठीक है। अगर मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में हो, ठीक है, तब उसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा? ठीक है, तो इफ टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तब उस केस में सी इक्विवेलेंट होगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। वही रजिस्टर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करते थे, यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक साइड एक साथ कनेक्टेड होगा और दूसरी साइड एक साथ कनेक्टेड होगा। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? तीनों इक्वल होगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? वी के बराबर होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा, इसका भी वी होगा, इसका भी वी होगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। अब मान लो कि बैटरी टोटल चार्ज क्यू सप्लाई किया, बैटरी टोटल चार्ज क्यू सप्लाई किया, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू सप्लाई कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि बैटरी टोटल चार्ज क्यू सप्लाई किया, तो ये देखो यहाँ से ये प्लस क्यू ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में इसको तीन ब्रांचेज मिल जाएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों ब्रांच में चार्ज किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। C1 में मान लो कि चार्ज Q1 हो गया, C2 पे चार्ज Q2 और C3 पे चार्ज Q3। तो चार्ज Q ही तीन पार्ट में बताए हैं, तो बेसिक इक्वेशन होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, जहां पे Q1 होगा C1 इंटू वी, Q2 होगा C2 into V और Q3 होगा C3 into V। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट बताएंगे। इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कि तीनों कैपेसिटर को हटा दिए और हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर को सेम बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किए, सच डैट कि बैटरी सेम चार्ज सप्लाई कर दे। तो जो सिंगल कैपेसिटर होगा उसके कैपेसिटेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सिचुएशन ऐसा होगा, ठीक है, तो इस सिंगल कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो होगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, ठीक है। तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V हो गया, ठीक है। अब Q Q1 Q2 Q3 में रिलेशन क्या है? तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q है C इक्विवेलेंट V, Q1 है C1 V, Q2 है C2 V और Q3 या C3 भी। अगर V कॉमन निकालने तो हमें क्या मिलेगा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम होगा, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। सपोज देयर आर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, तो अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाए तब उस केस में C इक्विवेलेंट होगा C बाई एन, राइट, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू एन सी, एन टाइम्स C, ठीक है, वही रेजिस्टेंस जैसे ही, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा या कम होगा?
कम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस लोवेस्ट कैपेसिटेंस से कम होगा, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस हाईएस्ट कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये मतलब अगर कैपेसिटेंस कम करना है, अगर कैपेसिटेंस कम करना है तो सीरीज में कनेक्ट करो, और कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करो। रजिस्टर में ठीक उल्टा होगा, रजिस्टर में अगर रजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में कनेक्ट करो, और रजिस्टेंस घटाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करो। हाँ कुछ बोल रहे थे, बोले सब रेजिस्टेंस का उल्टा हो रहा है। हाँ रेजिस्टेंस का उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सी इक्विवेलेंट इज स्मॉलेस्ट देन सी ऑफ लोवेस्ट कैपेसिटेंस, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, सी इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट कैपेसिटेंस, ठीक है। सर जो सी लोवेस्ट लिखे हैं ऊपर में, उसका मतलब से मतलब कम से कम कैपेसिटर, जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा उससे भी छोटा होगा। जैसे मान लो कि तीन कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड, दूसरा का 2 माइक्रोफेरेड, तीसरा का 3 माइक्रोफेरेड, तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा 1 से भी छोटा होगा, ठीक है, सीरीज में। सीरीज में पैरेलल में क्या होगा कि जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो 3 से भी बड़ा होगा, समझ में। अच्छा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कब यूज करना है, तुम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कब लगाओगे, सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे। सीरीज में सर, सीरीज में, ठीक है, क्योंकि सीरीज में ही पोटेंशियल डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिफरेंट होगा। सेम हो सकता है, कब सेम हो सकते हैं, जब C1 C2 सेम होगा। अगर C1 C2 सेम हो जाए तो उस केस में V1 V2 भी सेम होगा, और वो V1 V2 किसके बराबर हो जाएगा, V/2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे दोनों कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होगा या अनइक्वल चार्ज होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CV होते हैं, अगर Q इक्वल हो जाए तो CV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या V C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। Q इक्वल टू CV होता है ना, अगर Q इक्वल हो गया तो CV के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, एंड V2 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक। वी सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V1 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में C2 है, और V2 है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, C1 होगा, ठीक है। और ये रिलेशन बोल सकते हो रजिस्टर वाला जैसा रिलेशन ही है, रजिस्टर में भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन रजिस्टर में अगर V1 होता था तो न्यूमरेटर में क्या होता था, यहाँ पे R1 होता था या R2 होता था, R1 होता था, ठीक है। और रिजल्ट डिराइव भी तुम लोग कर सकते हो, रिजल्ट कैसे डिराइव कर लोगे, तो रिजल्ट हम लोग ऐसे डिराइव कर लेंगे कि जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी होगा वो होगा Q = C eq × V, बैटरी जो टोटल चार्ज सप्लाई कर रहा होगा वो क्या होगा, C eq × V के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 × V, ठीक है। तो V1 जो होगा, V1 मतलब कैपेसिटर C1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा Q/C1, तो अगर Q/C1 करें तो C1 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें मिलेगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 × V, ठीक है। उस तरह से अगर V2 चाहिए तो मिलेगा Q अपॉन C2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 × V, ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन होगा, V1 V2 में क्या रिलेशन होगा, तो V = V1 प्लस V2, तो अगर हम V1 निकाल लिए तो V2 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज डिवाइडर सर्किट,
मान लो कि इस तरह से दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, और इधर से चार्ज क्यू आ रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इधर एक बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी चार्ज क्यू सप्लाई किया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से प्लस क्यू जा रहा होगा और राइट साइड से माइनस क्यू जा रहा होगा, ठीक है। तो पूरा सर्किट डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं, बस हम ऐसे करके दिखा रहे हैं कि इधर से चार्ज क्यू जा रहा है, तो ये क्यू दो पार्ट में बट जाएगा, क्यू वन क्यू टू, ठीक है। ऑब्वियसली क्यू क्यू वन क्यू टू में रिलेशन होगा, क्यू इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक है। और क्यू वन होगा सी वन अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू क्यू, और क्यू टू होगा सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू क्यू, ठीक है। ऐसे देखो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, तो क्यू इक्वल टू सी वी होते हैं, वी अगर सेम हो गया तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हुआ, इसलिए अगर क्यू वन होगा तो यहाँ पे सी वन और क्यू टू होगा तो यहाँ पे सी टू, ठीक। और इस रिजल्ट को तुम ड्राइव कर सकते हो, कैसे डिराइव कर सकते हो, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो सी वन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यू वन बाई सी वन, और सी टू का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यू टू बाई सी टू, ठीक है। तो यहां से चाहे तो ले सकते हैं क्यू टू इक्वल टू क्यू वन सी टू अपॉन सी वन, ठीक। इसके बाद हम लोग को पता है कि क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू के बराबर है, क्यू वन है और क्यू टू है क्यू वन सी टू बाई सी वन, राइट साइड में क्यू है, एलसीएम लिए क्यू वन कॉमन निकाले, तो सी वन प्लस सी टू इक्वल टू क्यू, तो क्यू वन का वैल्यू क्या मिल गया, क्यू सी वन अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। और यही है क्यू वन, और क्यू वन निकल गया तो क्यू टू तो निकल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट इन कैपेसिटर। जैसे रजिस्टर के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, उसी तरह से कैपेसिटर के लिए भी व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पांच कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह से सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर हो जाए तो सी फाइव पे चार्ज जीरो हो जाए। सिमिलरली अगर किसी तरह से सी वन अपॉन सी थ्री इक्वल टू सी टू अपॉन सी फोर हो जाए तो भी सी फाइव पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस केस में हम बोलेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और सी फाइव को सर्किट से हटा सकते हैं, ठीक है। और जैसे रजिस्टर में प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे वैसे ही यहां भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर हो जाए, या दिस इज सेम है सी वन अपॉन सी थ्री इक्वल टू सी टू अपॉन सी फोर हो जाए, ठीक है। और ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हो जाएगा, सी टू इधर लेके चले गए, सी थ्री इधर लेके चले गए, अपने आप ये आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो सी फाइव के थ्रू चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा। और उस केस में सी और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब कि सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। तब इस केस में वी सी माइनस वी डी जीरो होगा, ठीक है। और वी सी माइनस वी डी जीरो होगा मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन सी फाइव विल बी जीरो, तो चार्ज ऑन सी फाइव विल बी जीरो। और सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो सेम डायग्राम को हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, सी फाइव को हटा दिए। अब तुम लोग देख सकते हो कि सी वन और सी टू सीरीज में है, सी थ्री सी फोर भी सीरीज में है, और ये दोनों आपस में किसी में है, पैरेलल में है, तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं और एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसमें ये पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, या कुछ और में दिख रहा है, बताओ जल्दी से। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस तरह क्वेश्चन हम लोग रजिस्टर में भी किए हैं, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, अगर तीनों कैपेसिटर सीरीज में है तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री।
सी वन है टू, सी टू है थ्री और सी थ्री है सिक्स। एलसीएम लेने के बाद में सिक्स आएगा, थ्री प्लस टू प्लस वन तो सिक्स अपॉन सिक्स मतलब कि वन, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट है वन, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, वन ही आएगा तो वन माइक्रोफेरेड होगा। ये सी इक्विवेलेंट निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि कैलकुलेट चार्ज एंड एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है, चार्ज एंड एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। यहां जो भी चार्ज या जो भी एनर्जी कैपेसिटर पे जा रहा है वो कौन सप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली बैटरी। तो बैटरी का ईएमएफ है 6 वोल्ट, और मान लो कि बैटरी चार्ज क्यू सप्लाई किया, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू, नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू, ठीक है। तो यहां की ध्यान दो, एक सिंगल लूप है, तो 2 माइक्रोफेरेड पे इस साइड में माइनस क्यू चार्ज होगा, इस साइड में प्लस क्यू चार्ज होगा। 3 माइक्रोफेरेड में इधर प्लस क्यू होगा, इधर माइनस क्यू होगा। 6 में इधर माइनस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज क्यू इक्वल टू सी इक्वेलेंट इंटू ई होता है, तो क्यू इक्वल टू सी इक्वेलेंट इंटू ई। फॉर्मूला हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्यू इक्वल टू सी वी, तो बैटरी के अक्रॉस सी है सी इक्वेलेंट और वी का रोल कर रहा है ई, जैसे क्यू इक्वल टू हम लोग लिखें सी इक्वेलेंट इंटू ई। सी इक्वेलेंट है 1 और ई का वैल्यू है 6, तो 6 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज सेम एज वर्क डन बाय बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज सेम एज वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। और पोटेंशियल चैप्टर से तुम लोग जानते हो वी होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू लिख सकते हैं क्यू इंटू वी, ठीक है। तो वर्क डन बाय जो बैटरी होगा वो होगा क्यू इंटू ई, जहां क्यू है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी और ई क्या है ई एम एफ ऑफ द बैटरी, एंड वर्क डन बाय बैटरी इज सेम एज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, और मान लो इस एनर्जी के नाम दिए ई, ई इक्वल टू होगा क्यू इंटू ई, वेयर क्यू इज चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू था 6 माइक्रो कूलम, ई था 6 वोल्ट, तो 36 माइक्रो जूल, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी या फिर वर्क डन बाय बैटरी इज 36 माइक्रो जूल। अब थर्ड पार्ट, चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर बताना है। अच्छा, तीनों कैपेसिटर पे क्या सेम है, चार्ज, और चार्ज का वैल्यू निकाल चुके हैं। अच्छा, ये जो चार्ज है वो किसके बराबर है, जितना बैटरी सप्लाई की है, ठीक है। तो तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, हम एक टेबल बना लिए जिसमें फर्स्ट कॉलम में सी रखें, सेकेंड में चार्ज रखें, थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यू बाई सी, और फोर्थ में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए बहुत फॉर्मूला है, मतलब तीन फॉर्मूला है, एक है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक है हाफ सी वी स्क्वायर, एक है हाफ क्यू वी। क्यू स्क्वायर बाई टू सी में क्यू स्क्वायर है और हाफ सी वी स्क्वायर में वी स्क्वायर है, तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा ना। सी है 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, और तीनों पे चार्ज इक्वल है 6 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी,
सिक्स बाई टू कर दो तो कितना मिलेगा, थ्री। सेकेंड के लिए सिक्स बाई थ्री कर दो टू, थर्ड के लिए सिक्स बाई सिक्स कर दो वन। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हाफ क्यू वी, हाफ इंटू सिक्स इंटू थ्री कितना होगा नाइन, तो नाइन माइक्रो जूल। हाफ इंटू सिक्स इंटू टू सिक्स माइक्रो जूल, हाफ इंटू सिक्स इंटू वन थ्री माइक्रो जूल। अच्छा टोटल एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है, 36 कहां हो रहा है, 18 माइक्रो जूल हो रहा है, 18 माइक्रो जूल हो रहा है। हाँ ऊपर 36 आया वो अलग चीज है, यहां कितना आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, उसका हाफ आ रहा है, ठीक है उसका हाफ आ रहा है। देखो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई किया है वो 36 माइक्रो जूल है, ठीक है, और तीनों कैपेसिटर मिला करके जो एनर्जी स्टोर कर रहा है कितना हो रहा है, 18 माइक्रो जूल। बैटरी जो एनर्जी सप्लाई किया है उसका एग्जैक्टली आधा जाके स्टोर हुआ, तो आधा गया कहाँ, लॉस हो गया, तो कनेक्टिंग वायर्स में चला गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर एक और चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। बेसिकली कुछ एनर्जी लॉस होता है, कहाँ लॉस होता है, तो इन कनेक्टिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपसे ये पूछ रहा है कि एनर्जी लॉस्ट क्या हुआ, एनर्जी लॉस्ट अगर एक सिंगल बैटरी है तो एग्जैक्टली हाफ एनर्जी लॉस होगा हमेशा। हाँ बोलिए, कुछ भी कुछ भी, पैरेलल में कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हो, या कैसे भी कनेक्टेड हो, मान लो एक सिंगल बैटरी, इसके क्रॉस कितना भी कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए वो तो सी इक्विवेलेंट बन जाएगा। सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा कैपेसिटर है उसका एक इक्विवेलेंट हो गया, है ना। अब ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू ई, बैटरी वर्कडन कितना करेगा, बैटरी कितना वर्कडन करेगा, तो क्यू इनटू ई प्लस सी इक्विवेलेंट इनटू ई स्क्वायर, ठीक है। और कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ क्यू भी, हाफ क्यू के वैल्यू कितना है, तो सी इक्विवेलेंट ई, और कैपेसिटर ये जो सी इक्विवेलेंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ, ई। अल्टीमेटली क्या मिला, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू ई स्क्वायर, मतलब यू जो है हाफ सी इक्विवेलेंट ई स्क्वायर है, और डब्ल्यू कितना है, सी इक्विवेलेंट ई स्क्वायर, मतलब बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो कितना सप्लाई कर रहा है, सी इक्विवेलेंट ई स्क्वायर, और जो कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका एग्जैक्टली हाफ स्टोर हो रहा है, तो एग्जैक्टली हाफ कहाँ गया, लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब तो प्रूव कर दिए एनर्जी लॉस्ट इन द सर्किट, तो एनर्जी लॉस्ट इन द सर्किट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। तो वर्क डन बाय बैटरी यहां था 36 माइक्रो जूल, और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स कितना है, 18 माइक्रो जूल। क्वेश्चन है रिपीट, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का हर पार्ट को रिपीट करना है। पिछला क्वेश्चन में चार पार्ट था, यहां भी चार पार्ट हम लोग को बनाना है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, सी इक्विवेलेंट, तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में, या किसी और चीज में, पैरेलल में पक्का सी ना, रजिस्टर में बताया हुआ ये चीज वैसे है, पैरेलल में, ठीक है। तो तीनों कैपेसिटर किसी में पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स माइक्रो फैराड। नंबर टू, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एंड एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, तो मान लो कि चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज क्यू, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इनटू ई सिक्स, हाँ सी इक्विवेलेंट सिक्स है और ई भी सिक्स है, तो 36 माइक्रो कूलम। और वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, फॉर्मूला क्या था जी, रजत क्यू
क्यू है 36 और ई है 6, तो 216 यूनिट क्या होगा? माइक्रो जूल। नंबर थ्री ये बताना है कि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी स्टोर क्या होगा। अच्छा, तीनों कैपेसिटर पे इक्वल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का कितना होना चाहिए? इक्वल मतलब कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट होना चाहिए। और ये चीज फिर से एक बार हम क्लियर करते हैं। मान लो इधर 0 पोटेंशियल है, इधर 6 वोल्ट होगा पोटेंशियल, तो यहां भी 6 वोल्ट होगा, यहां भी 6 वोल्ट होगा, और यहां भी 6 वोल्ट होगा, यहां भी 6 वोल्ट होगा। लेफ्ट साइड में यहां पे 0 पोटेंशियल होगा, यहां 0 पोटेंशियल होगा, यहां 0 पोटेंशियल होगा, यहां 0 पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो तीनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हम सी लिखिए, सी है 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। सेकेंड कॉलम में आप क्या रखिएगा, वी रखिएगा या क्यू रखिएगा? क्यू क्यों रखोगे भाई, क्यों पता है तुमको? वी रखोगे ना, इस बार पता है तुमको क्या है? वी ना, तो वी क्यों रखो? तीनों पे वी कितना है? 6 वोल्ट। अब थर्ड कॉलम में क्यू डालो, क्यू इक्वल टू सी वी होगा, ठीक। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए सी वी का वैल्यू होगा 6 माइक्रो कूलम्ब, सेकेंड के लिए 12 माइक्रो कूलम्ब, थर्ड के लिए 18 माइक्रो कूलम्ब। इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है? 36 माइक्रो कूलम्ब, जो कि बैटरी भी सप्लाई की है, ठीक है। फोर्थ कॉलम में एनर्जी रख दी, एनर्जी के लिए देखें हाफ क्यू वी। तो पहला कैपेसिटर के लिए हाफ क्यू वी का वैल्यू होगा हाफ इंटू 6 इंटू 6, मतलब 18 माइक्रो जूल। सेकेंड के लिए होगा 36 माइक्रो जूल, और थर्ड के लिए होगा 54 माइक्रो जूल। और तीनों को ऐड करो तो देखो कितना आते हैं, 100, ठीक है। ये 216 का एग्जैक्टली हाफ है। तो जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है होगा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी माइनस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो 216 माइनस 108, मतलब कि 108 माइक्रो जूल, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ आ गया, मतलब कि मेरा प्रॉब्लम सही हुई सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ कोई दूसरा नंबर आ जाए, मतलब कि कहीं गलती कर दी।